हेलो गाइस, वेलकम टू नबील क्रिप्टो ड्रॉप्स। तो आज जो प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट है डियोनी प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी टोकन लॉन्च हो गया हुआ है। टोकन लॉन्च हुआ था 2023 में, और ये देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट बुल रन है। इससे पहले इसने कोई बुल रन नहीं देखा, और सर्कुलेशन में 94% कॉइन सर्कुलेशन में है। तो इनका ही प्रोजेक्ट, इनके ही एक कंपेन आई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करनी है। इन्होंने कंपेन लॉन्च किया एपिक साइकिल। ये प्रोजेक्ट क्यों शेयर कर रहा हूँ, इस वजह से कि ऑलरेडी ये कॉइन ट्रेड कर रहा है 72 मिलियन मार्केट कैप पे, तो इसकी कैंपेन से हमें अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। कैंपेन टोटली इजी है, इसमें आपको ट्विटर चाहिए, टेलीग्राम चाहिए और डिस्कॉर्ड चाहिए टास्क वगैरह करते हुए। तो इसकी कैंपेन अक्टूबर 11 को लाइव हुई थी, और इनके 12 वीक्स के टास्क होंगे। मैंने मेन अकाउंट में अपने टास्क कर लिया था फर्स्ट वीक का, लेकिन वीडियो बनाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। थोड़ी सी डिटेल बता दूं इसकी। एपिक साइकिल इन्होंने लॉन्च किया है, इन्होंने कहा है कि 12 वीक्स के टास्क होंगे, हर वीक के न्यू टास्क होंगे, और हर वीक के टास्क कंप्लीट करने पे हमें ओबोल मिलेंगे। ठीक है, ओबोल पॉइंट्स हैं बेसिकली। और अभी ये वायरल नहीं हुआ प्रोजेक्ट, आई थिंक वायरल होगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली ऐसा भी होता है कुछ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वायरल नहीं होते, लेकिन उनमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो 12 वीक्स, 12 NFTs, ये हमने सारे टास्क करने हैं। हर वीक जो सर मैं अपडेट करता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में, इनके अपडेट देता रहूँगा। कोई भी न्यू डिफरेंट टास्क होगा तो वीडियो में भी बता दूंगा, अगर इजी टास्क हुए तो मैं टेलीग्राम में सिर्फ अपडेट देता रहूँगा। तो सबसे पहले आपने लिंक ओपन करना है, आपने वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपने नेटवर्क को कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने पीरियड वन पे क्लिक किया। अब ये देखें, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 12 हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पीरियड 1 पे क्लिक किया, ज्वाइन आवर फैमिली। ये ट्विटर टास्क है, ये टास्क करूँगा, उसके बाद ये क्लेम कर लूँगा ओबोल। फिर ये डिस्कॉर्ड ज्वाइन करूँगा, क्लेम कर लूँगा। फिर ये वेबसाइट एक विजिट करूँगा, क्लेम कर लूँगा। उसी तरह फिर ये रीट्वीट करनी है, ये क्लेम कर लेनी है। मैं आपको एक दफ़ा ना करके दिखा देता हूँ एक दो टास्क, तो आपने ये सारे टास्क कर लेने हैं। यूँ साइन कर लिया पहले वॉलेट का, फिर हमने इधर ट्विटर कनेक्ट करना है। ट्विटर कनेक्ट करने के लिए इनका यही तरीका है कि हम ये ट्वीट का ऑप्शन आएगा, ट्वीट पर क्लिक करूँगा, ट्वीट होगी, और उस ट्वीट का मैं लिंक जो सर वहाँ पर शेयर करूँगा। ये ट्वीट मैंने की, प्रोफाइल में गया, यहाँ से मैं लिंक कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक, इधर आया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और वेरीफाई कर दिया। हमारा ट्विटर कनेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने टास्क जो साइन का है फॉलो वाला वो कर लिया, वेरीफाई पे क्लिक किया और वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस किया। अब ये देखें यहाँ पर टिक हो गया है। अब इसको मैं क्लेम कर लेता हूँ पॉइंट्स को, ये मैंने क्लेम कर लिया। उसी तरह नीचे वाले टास्क भी कर लेने हैं। डिस्कॉर्ड पे वेरीफाई, डिस्कॉर्ड भी पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा। ये VPN की वजह से इशू हो सकता है, ठीक है, डिस्कॉर्ड का। तो VPN मैंने ऑफ़ किया, उसके बाद दोबारा मैं करता हूँ, ऑथराइज कर दिया इसको। अब रिफ्रेश किया, अब डिस्कॉर्ड कनेक्ट हो गया। अब इसका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना है, इसको डिस्कॉर्ड सर्वर हमने वेरीफाई कर लेना है। कॉन्टिन्यू, कोड जो बताएगा हमने इंटर करना है। डिस्कॉर्ड इसका ज्वाइन हो चुका है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। अरे वेरीफाई हो गया, अब इसके भी हम पॉइंट्स क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह आपने नीचे वाले टास्क भी कर लेने हैं। ये सिंपल वेबसाइट ओपन करने वाला टास्क है, उसके बाद नीचे रिट्वीट वाला टास्क है, उसके बाद फिर एक और फॉलो वाला टास्क है। तो ये टास्क मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपने कर लेने हैं, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाती है। अब ये सारे टास्क मैंने कर लिए, ट्विटर वाले सारे, फॉलो वाले थे, ईजी टास्क है। ठीक है, ये आपने सारे कर लेने हैं। अब यहाँ पे था हेरमेस NFT क्लेम पीरियड हैज़ एक्सपायर। ठीक है, फर्स्ट वीक का जो NFT क्लेम करने का टाइम था वो एक्सपायर हो चुका है। इनका ये है कि जैसे जैसे वीक कंप्लीट होता जाएगा NFT क्लेम करने का टाइम जो है वो एंड होता जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वीक का NFT आपका मिस हो जाएगा इससे, लेकिन आपने बाकी 11 वीक्स की NFTs लाजमी क्लेम कर लेने हैं। लेकिन ओबोल्स हमें जो है फर्स्ट वीक के भी मिल रहे हैं, ठीक है, आपने ये मिस नहीं करना। तो जिसके पास जितने NFTs होंगे आई थिंक उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट का चांस होगा। ये फर्स्ट वीक के टास्क हो गए, ठीक है, इसके हमें ओबोल्स भी क्लेम कर लिए। उसके बाद ये रेफरल कैंपेन है, इसमें आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपने अपना रेफरल जनरेट करना है, और आपने इधर अपना जो जिसको आपको रेफ़र किया है उसका भी कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, आप अपना यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नबील क्रिप्टो, और यहाँ पे इंटर फ्रेंड्स कोड है यहाँ पे। तो आप, मैं यहाँ पे अपना कोई भी, अगर आप मतलब मेरा कोड इंटर करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे उसके भी। तो आपने कोड इंटर कर देना है नबील और सबमिट कर देना है, और ऊपर वाला भी एक्टिवेट कर देना है। ये आपने रेफर कंपेन वाला टास्क भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो पीरियड 2 का लाइव है, अब ये वाला हमने करना है। इसमें पहला है ट्वीट करने वाला टास्क है, और दूसरा है इसमें
इसमें दूसरे में हमने मीम एक क्रिएट करना है और वहाँ पे हमने हैशटैग्स लगा के ट्वीट कर देनी है, और तीसरे में भी हमने एक ट्विटर पे पोस्ट करनी है, और उसके फिर हमने एनएफटी क्लेम करना है। अब एनएफटी क्लेम करने के लिए हमें इनका डियोने जोन से टोकन चाहिए, क्योंकि इनकी न्यू चेन आ रही है। पहले तो ये इथेरियम पे है, ठीक है, लेकिन इनकी अपनी चेन आ रही है, तो उस वजह से बेसिकली हम काम कर रहे हैं कि इनकी अपनी चेन आ रही है, तो इन्होंने अपनी कैंपेन की अपनी सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं और ये अच्छा रिवार्ड दे सकते हैं। तो सेकेंड वीक का फर्स्ट टास्क करते हैं, इस पर हमने क्लिक किया और पोस्ट पर क्लिक किया, तो उन्होंने बेसिकली इस टास्क में ये कहा है कि आपने मैसेज क्रिएट करना है खुद ही, ठीक है, ट्वीट आपने खुद लिखनी है या उस पर थ्रेड बना लेना है प्रोजेक्ट के बारे में, और इसको इनके जो से हैश टैग्स हैं ये यहाँ पे ऐड कर देने हैं। डियोने प्रोटोकॉल, ये तीन चीज़ें हमने डियोने प्रोटोकॉल को जो से ऐड कर लिया। अब इस ट्वीट में आपने खुद से कुछ भी लिख देना है, तो यूँ आपने ट्वीट लिख लेनी है, ठीक है, आप चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट कंप्लीट होने के बाद इसको आपने क्रॉस करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, और ये वेरीफाई हो गया, और इसके बाद मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। अब सेकंड टास्क है कि आपने एक मीम जनरेट करना है। मीम जनरेट करने के लिए आप कॉपी भी कर सकते हैं कहीं से भी उठा के, ठीक है, नेट से आपने कोई भी मीम उठाना है, ठीक है, आपने कैनवा पे चले जाना है, उसको एडिट कर देना है। और यहाँ पे गूगल से मीम देखते देखते ये वेबसाइट मिली है, ठीक है, आप इससे भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, आप कोई और डिफरेंट कर लेना, यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट दिए हैं उन्होंने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी और मीम बना लेता हूँ, तो इसको सेव करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है, अब मैं वहाँ पे जाता हूँ टास्क वाली जगह पे, पोस्ट करता हूँ। अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हैशटैग आपने ये लाजमी ऐड करने हैं, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, और ये मैंने ट्वीट वाला ओपन कर लिया, तो ये आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने इमेज सेलेक्ट किया मीडिया, और ये अभी पिक्चर मैंने डाउनलोड की है, ये नो येस वाली, इसको सेलेक्ट किया, यूँ आपके पास हो जाएगा, ठीक है, और ये मैंने पोस्ट कर दिया। आई थिंक ये मीम आप जनरेट ना भी करें, ठीक है, आप पोस्ट करेंगे ना जब इस तरह हैशटैग डाल के, तो आपका टास्क तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब इजी टास्क है, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, तो आप बेहतर है जो सर आप टास्क साथ साथ करते जाएं। तो इसको मैं क्रॉस करके इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ये भी वेरीफाई हो गया, अब मैं ये क्लेम कर लेता हूँ, क्लेम हो गया। अब नेक्स्ट टास्क है, इसको हम क्लिक करते हैं, न्यू डिप्लॉयमेंट्स एंड अ चांस टू अर्न ग्रेट बाउंटी। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल ट्वीट करनी है हमने, ठीक है, ये हैशटैग हमने ऐड कर देने हैं, नीचे वाले हैशटैग्स ऑलरेडी ऐड होंगे, ये हमने ऐड कर लेना टैग, यहाँ पे हमने यही लिख लेना कि डियोन्स ट्वीट टेस्टनेट इज़ वेरी क्लोज, ये हमने पोस्ट कर दिया, और उसके बाद इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये भी वेरीफाई हो गया, और इसको अब क्लेम कर लेते हैं पॉइंट्स को। अब हमारे ये टास्क सारे हो चुके हैं, अब इसके बाद नीचे हमने एनएफटी क्लेम करना है। एनएफटी क्लेम करने के लिए हमारे पास ये हमने जो एनएफटी क्लेम करना है ये डियोने जो सा ओडेसी चेन है इस पर क्लेम होगा, इसके लिए हमारे पास डियोने टेस्टनेट टोकन होने चाहिए, ठीक है। अभी इसके टेस्टनेट क्लेम करते हुए थोड़ा सा इशू आ रहा है, एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक, आपको मैं टेस्टनेट लिंक भी दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्लेम कैसे करना है आपने। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास डियोने टेस्टनेट टोकन होने चाहिए जो ऑलरेडी जो मेरे अकाउंट में नहीं है, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये फॉसेट वाला लिंक आपने ओपन कर लेना है, आपका वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन होगा, वॉलेट कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद रिक्वेस्ट टोकन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इशू आ रहा है, कैप्चा वेरिफिकेशन फेल्ड, मैंने वीपीएन ऑफ करके भी ट्राई कर लिया है, ठीक है, मेरे मेन अकाउंट में इशू नहीं आया था, उस टाइम मैंने क्लेम कर लिए थे, तो इसमें इशू आ रहा है, मैं डिस्कॉर्ड पे भी चेक कर लेता हूँ। तो इसमें फॉसेट जो नहीं मिल रहे थे ना, ठीक है, मैं इसमें तो मैंने जनरल चैट में आके बोला कि मुझे फॉसेट नहीं मिल रहे, तो इसको सॉर्ट आउट कर दें। उन्होंने कहा अपना शेयर वॉलेट शेयर करें और ओपन टिकट करें, आई मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। मैंने ओपन टिकट पर क्लिक किया, तो क्रिएट टिकट पर क्लिक किया, तो टिकट मेरा ओपन हो गया, और इस टिकट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस अपना सेंड कर दिया, और मैंने लिख दिया नीड फॉसेट, तो उसने कहा कि सेंड, ठीक है। अब मैं अपना एड्रेस चेक कर लेता हूँ और वो एनएफटी क्लेम करने की ट्राई कर लेता हूँ, तो उम्मीद है अब जो सा क्लेम हो जाएगा। अब मेरे पास ये डियोने भी आ गए हैं 2000, ठीक है, इसने फॉसेट सेंड कर दिया, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमें एनएफटी क्लेम करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए। तो आपने फॉसेट वाले लिंक से ट्राई करना है, अगर आपको फॉसेट नहीं मिलता तो आपने डिस्कॉर्ड में आके इस तरह जनरल चैट में आपने कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको जो सारा या टिकट सीधा रेज कर देना, तो आपको ये फॉसेट दे देंगे, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी से अगर फॉसेट टोकन क्लेम नहीं होते तो आपने मुझे बता देना, लेकिन आपने पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी से ना हो और इश्यू हो तो मुझे आपने बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने अकाउंट से, ठीक है। ये एनएफटी मेरा क्लेम हो चुका है, तो 12 जितने वीक्स रहते हैं आपने ये एनएफटी लाजमी क्लेम कर लेने हैं। लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, ठीक है, उनमें पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, सारी बात है, जो रेफरल्स होते हैं उनके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी आपके सामने मैंने इस अकाउंट से किया है, मेरे सिर्फ 109 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने इन पॉइंट्स को नहीं देखना, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स के हैं,
उनके रेफरेंस बहुत ज़्यादा, लेकिन आप ये देखना कि रैंकिंग मैंने अभी आपके सामने टास्क किए हैं और ये रैंकिंग मेरी शो कर रहा है 2 to 5 9, ठीक है, मतलब 2200 रैंक पे आ गया हूँ ये वाले टास्क करके। ये देखिए ज्वाइन काफ़ी लोगों ने किया, ठीक है, एक पेज पे 10 शो हो रहे हैं, 2586 पेजेस हैं, तो टोटल 26,000 लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन मैंने आपके सामने ये वाले टास्क किए हैं और मेरा ये 2200 मतलब रैंक में आ गया 2 to 5 9। अगर जो एयर ड्रॉप है $1 million का भी हो तो वो डिवाइड जब होता है वो थोड़े से लोगों में, तो वो उसमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, ये आपने लाजमी कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।